माय नेम इज गुलाम रसूल सर। ये आप हुंजा से मिले था? ये दो बच्चे वैली हुंजा में पानी के बहाव में आए थे, आंख नहीं खोला था ना, माँ ने छोड़ के चले गए, तो बहसत मजबूरी उठा कर लाया, तो उसे एक का इलाज नहीं हो सका, वो मर गया, एक ये रह गया। फिर मुझे शायद नदीम ब्रिगेडर साहब ने वो नहीं बता दिया, जो नथक अली वाला है वो मेल था, वो पिशावर भेज दिया। जब मैं पिशावर गया तो उसके जिस्म में दराड़ आके बिल्कुल बाल गिर के ख़त्म थे। इनके जिस्म में अगर दराड़ आ जाए, बाल गिर जाए, तो ये बच नहीं सकते। अच्छा, वो गर्मी होती है ना? वो गर्मी की वजह से वो मर गया, वो हमें बड़ा एक नुकसान वो पड़ा। सर इसकी उस टाइम में मैंने आपका ना कि $3 करोड़ का उन्हें गिफ्ट दिया था अमेरिका को। अब इसकी प्राइस का मुझे पता नहीं, मैं वैसा झूठ मारूं यार किसकी इतनी प्राइस है। यहाँ ये मर जाए ना, ये अमेरिका जाएगी ना, ये रावलपिंडी जा सकता है, ये ना नथक अली जा सकता है, ना कब्रिस्तान जा सकता है। अगर मर जाए तो यहाँ मर जाए, अगर मैंने गवर्नमेंट को जो अपील किया, अगर मैं ले लो कर सकते तो मैं ले लो कर, वो अमेरिका को दे दिया। जब दोबारा मैंने कमर जमान कायरा KPK का कोर कमांडर के थ्रू बार बात की, तो मुझे आगे से जवाब मिला कि हमने पाकिस्तान को $3 करोड़ डोनेशन दे दिया था, मुशरफ साहब को, मुशरफ साहब ने हमें स्नो लेपर्ड दे दिया था। फिर देन फ्रॉम इज मुशरफ ऑब्जेक्शन कि भाई मैंने नलतर वैली में 5 ब्रिज बनाए उन्हीं पैसों के, और गुप्पिस वैली में 3 ब्रिज बनाया, तो वाकया ये जो सीमेंटेड ब्रिज जो है ये मुशरफ ने बनाया, ये रोड और सीमेंटेड ब्रिज जो है ये सन 2001 को उसने दिया था। लेकिन हमें वापस करना, रिटर्न करना था 5 साल से, रिटर्न के बावजूद हमें जवाब ये मिला। तो देन ये डार्क सिस्टम या कैट सिस्टम है ना, कि ये हीट पर हो गया तो मेल खुद ब खुद आता है, लेकिन आने के बाद अंदर जब एलो नहीं किया तो बाहर कम मेल है। यहाँ तो पहाड़ में तो मैं स्नो लेपेट है, नलतर वैली में है, उससे सबसे ज़्यादा हुंजा वैली में है, हाँ हाँ सबसे ज़्यादा हुंजा वैली, उसके बाद नलतर वैली, होपर वैली, करघा वैली, ये दुखसाई वैली में ये भी हैं और बियर भी हैं। इसको ये बताएं मेंटेन कैसे किया हुआ आप, क्या प्रॉब्लम? इसके लिए 5 kg है, 7 दिन बकरे का, 7 दिन मुर्गे का। अभी आपके सामने कम से कम 5 kg वो ठेले में डाल कर लाया, मामली समल हो या ख़राब हो तो ये नहीं खाते, इसके लिए नया खुराक डाला। ये नहीं नहीं नहीं, इसमें से 60,000 1,30,000 में से 60,000 रुपये गिलगित बल्किस्तान की वाइल्ड लाइफ देती है, उससे अलाइदा जो हेल्प जो यहाँ टिकट सिस्टम नहीं है, जो लोग आके डोनेशन अपनी मर्ज़ी से जो करते हैं डोनेशन करके जाते हैं, तो बाहरी को तो हमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्नोफॉल में बेशक हमें थोड़ी अगली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर रोड वगैरह ब्लॉक हो तो, वरना पाकिस्तान PF नलतर वैली के अंदर स्की जंपिंग शिफ्ट के दौर में यहाँ रोड ब्लॉक करना नहीं देते, और रोड जो है ना 24 घंटा गाड़ियां आना जाना दरफ्त है। सिवाय ये है कि रोड हमारा ख़राब है, अल्लाह करे कि अभी रोड हमारा कोशिश है कि रोड निकल जाए तो हमारी सारी चीज़ों से जान छूट जाए। अरे मैंने करगिल जंग में सन 2001 में करगिल जंग लड़ा, क्योंकि करगिल जंग में मैं उधर था, और पहला जो जंग मैंने लड़ा ये मैं सेचन ग्लेशियर में लड़ा। ये दो जंग लड़ के मैं लास हवलदार रिटायर आया हूँ, और मैं यहाँ इसकी खातिर किया टैगरी भी करता हूँ, इसको मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपकी अपनी ये मेरा अपना बाप, मेरा बाप की मलकियती जंग, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये हमें नहीं छोड़ सकते। कंबल वाली बात है कि ना हम इसको छोड़ सकते हैं, ना ये हमें छोड़ सकते हैं, और ना गवर्नमेंट भी इसको बार वाइट में छोड़ सकवाती, क्यों कि वाइट में ये गुजारा नहीं करती है। ये छोटे बच्चे से यहाँ तैयार गोश्त खाया, और अब वाइड में हम इसको छोड़ें तो ये आई बेकेस मार खोर पोलो मार का शिव का शिकार करके खा के एवल नहीं कर सकती है। ये यहाँ गम आएगी तो किसी का शिकार होगी, या जो है इस बेचारी को चमड़े के खातिर जिस तरह होपर वैली में मार कर लोग जेल भी गया और 10-50 लाख रुपये जुर्माना भी, ये हमारी चंद मजबूरियाँ। गवर्नमेंट में से सबसे ज़्यादा माई हेल्पिंग फॉर वाइल्ड लाइफ का जो सेक्रेटरी है वो पंजाब का है, और वो मेरे साथ अगर मैं टेलीफोन भी कर दूं तो वो यहाँ आके मेरे साथ देखभाल भी करते हैं और मेरी हेल्प भी करते हैं पंजाब। और दूसरा जो वाइड में हैं इन एनिमलों का भी हमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी एनिमल हो, ये हमारा ख़जाना है, आईबेकस मारखोर पोलो मारको शिफ ये हमारा एक अमानत है अल्लाह के सामने, हमें हर चीज़ का निगरान अल्लाह ने बनाए हैं, हम किसी को क्यों पाल सकते हैं, हम अपनी जान को नहीं पाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हम निगरान, हमें हमने इसकी निगरानी करना है।